वेलकम टू क्लास नाइन्थ वाला। तो आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर हम लोग का हाफ ईयरली एग्ज़ाम कब होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का डेट क्या होगा। तो आज का जो वीडियो है भी इसी टॉपिक पर है, बट इसमें हम लोग आज कुछ और भी बात करेंगे कि आखिर हम लोग का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है, या फिर अगर आप नहीं जानते जान लें, कि आपका जो क्लास टेंथ का बोर्ड एग्जाम पैटर्न है जो पहले हुआ करता था उसको अब चेंज कर दिया गया है। चेंज करने का मतलब क्या है कि अब आपको अगर क्लास टेंथ का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपसे 20% MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40% आपको इसमें CBQ देखने को मिलेगा और 40% आपको आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक यानी कि जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, NCERT, RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा। तो अब जो आपके क्लास नाइन्थ के टीचर्स हैं वो लोग भी कुछ आपका जो हाफ ईयरली का क्लास नाइन्थ का एग्ज़ाम का मैथ्स का पेपर होगा या फिर साइंस का पेपर होगा, सोशल साइंस का पेपर होगा, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसको यह लोग कुछ हद तक इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आगे यानी कि नेक्स्ट ईयर में आप सभी को भी आपका अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आपके टीचर्स यह चाहेंगे कि आपको न्यू बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सभी को प्रैक्टिस कराई जाए। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि टेस्ट बुक मतलब तो NCERT, आरी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब क्वेश्चंस तो हम जानते हैं, MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में भी हम जानते हैं, बट ये नया चीज़ क्या आ गया, CBQ क्या हो गया। तो CBQ को हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन में आपको कुछ सर्टेन एक प्रॉब्लम डिटेल किया जाएगा जो आपके को आपको आपके लाइफ से रिलेट करके दिया गया होगा, या फिर कुछ ऐसे मैथ के वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे जिनको आपको समझ करके कुछ दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। जैसे आप लोग इंग्लिश में कम्प्रिहेंसन देते हैं, आपको आता होगा कम्प्रिहेंसन। कम्प्रिहेंसन में क्या होता है कि हमें एक पैसेज दिया होता है, उसको फिर उसके बाद से हमें उस पैसेज को पढ़ना होता है, फिर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनका हमें आंसर लिखना होता है। सेम इस टाइप का भी ही होता है CBQ, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा CBQ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट हो सकता है कि जो आपके स्कूल के टीचर हों वह CBSE क्लास टेंथ के नए बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए आप सभी का अभी प्रैक्टिस अभी से कराना स्टार्ट कर दें, तो आपसे वह अपने स्कूल के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लें जो CBQ टाइप के हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर वीडियो आपको सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है क्लास नाइन्थ वाला, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि और भी ऐसे क्लास नाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।